आपके निकट बार बार कुत्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन गाय यदि न उपलब्ध होती हो तो एक और अच्छा प्रकार है, एक महात्मा का बताया हुआ है। माताएं घर में रोटी तो बनती ही सबके घर में, तो जब आटा निकले थाल परात में उसको गूथने के लिए, उसके पहले एक कटोरा या कटोरी जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना भर के एक पीपा में या एक टंकी में डाल दो, ये गोग्रास है। और जब वो पात्र भर जाए तो निकट में जो भी गौशाला हो वहाँ वह आटा पहुँचा दो, गौ माता की सानी में लग जाएगा और आपका गोग्रास हो जाएगा। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आपकी कथा सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए, सच्ची घटना सुना रहे हैं जालान जी, और प्रभावित हुए तो हम दो गैया ले आए, बढ़िया सुंदर देसी गैया, और खूब प्रेम से सेवा करने लगे, पर महाराज दोनों गाय बीमार हो गई, बहुत कठिनाई से उनके प्राण बचे। तो हम चाहते हैं कि आप आज्ञा कर दें हम किसको दे दें या किस गौशाला में बेच दें। कि क्यों है, क्या बात हो गई? महाराज क्या बतावें, पूरे फ्लैट वाले लोग, टोला मोहल्ले वाले लोग इतनी रोटी खिलाते हैं तो खा के अन्य गायों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अपच हो गई गायों को। तो लोगों की गौ भक्ति से परेशान होकर हम गैया अपने घर से अलग करना चाहते हैं, आप सोचो। हमने कहा कि ऐसा करो कि आप गाय तो मत हटाओ, थोड़ी सावधानी रखो, महीना डेढ़ महीना थोड़ा लोग बुरा भला कहेंगे तो कहने दो, उसकी परवाह मत करो। भैया तुम्हें ज्यादा श्रद्धा है तो एक कटोरी आटा तुम ये पीपा रखा है इसमें डाल दिया करो, और नहीं तो तुम्हारे घर में पूरा हो जाए तो यहाँ भेज दो, हम खाएंगे नहीं, हम सब गाय को खिलाएंगे, लेकिन इससे हमारे गाय का स्वास्थ्य बिगाड़ो मत। कार्तिक सुदी अष्टमी गोपाष्टमी को गौशालाओं में प्रायः गायें बीमार हो जाती, क्यों? लोग सोचते गोपाष्टमी को ही ज्यादा गाय को खिलाना चाहिए, खिला कितना खाएगी बिचारी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। गोपाष्टमी को भी मेरे विचार से गाय को खिलाने का हठ न रख करके गाय के ग्रास के लिए, दलिया आदि के लिए अन्न गुड़ आदि की व्यवस्था करना चाहिए, और उसे जहां गौशालाओं में आवश्यकता है वहां उसको देना चाहिए। संक्रांति के अवसर पर भी लोग सोचते हैं कि ज्यादा खिला देंगे तभी हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, ज्यादा गुड़ खिला देंगे, ज्यादा अन्न खिला देंगे। मेरी प्रार्थना है सेवा में विवेक जरूर रखो, हमारी सेवा से सेव्य को पीड़ा पहुंच जाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। इसलिए कुत्ते को रोटी देना जरूर, लिखा है श्याम और शवल नाम के दो कुत्ते हैं नरक में, क्या नाम है उनका, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है शवल। ये दोनों कुत्ते आदि कुतिया, उसका नाम है शर्मा, वो ब्राह्मण वाला शर्मा नहीं, वो तो तालव्य शकार से और ऊपर रेफ होता है शर्मा, यह है सरमा, स दंत सकार पूरा रा और फिर मा, सरमा। शर्मा नाम की देवताओं की कुतिया है, उसके दो बालक हैं, एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है शवल। जो लोग अपने जीवन में आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं देते हैं, कुत्ते को भी नहीं खिलाते हैं, वो श्याम और सवल नाम के कुत्ते नरक के रास्ते में रहते हैं। और आपने नहीं कुत्ते को रोटी दी तो उतना मांस जितना उनके हक में है उतना मांस अपनी डाढ़ों से नोच कर खा जाते हैं। इसलिए कुत्ते को भी टुकड़ा देना, कुत्ते पर भी दया करना, ये सनातन धर्म है। पर कुत्ते को घर में घुसाना, कुत्ते को छूना, कुत्ते को पालना, ये अच्छा नहीं है। और
आप लोग कहेंगे वफादारी के लिए, घर की रखवाली के लिए कुत्ता रखना जरूरी है। आप कुत्ते को बाहर अपने दरवाजे पर टुकड़ा देना शुरू करो, निश्चित समय से रोटी देना शुरू कर दो, वो तुम्हारा द्वार छोड़ के जाएंगे नहीं, बाहर ही रहेंगे और किसी अपरिचित को घुसने नहीं देंगे रात को। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, खाक चौक में महाराज जी रोज कुत्तों को आवाज लगवा करके रात को ब्यारू के बाद उनको रोटी देते थे कुत्तों को बाहर रोड पे, और रात को वहीं रह जाते फिर बाहर ही। और मेन मुख्य द्वार जो है स्थान का खाक चौक का, उसमें महाराज सड़कोरा भी नहीं लगवाते, खाली ऐसी फाटक कर दो। क्यों? कहते हमारे पहरेदार बैठे हैं, किसी की हिम्मत है जो घुस जाए। हाँ, जिसको आना होगा वो आवाज़ लगाएगा सीताराम राधे श्याम, तब कोई जाएगा तब आएंगे, नहीं किसी की हिम्मत नहीं जो घुस जाए भीतर। कोई कुत्ता पालते थे क्या? इसलिए कुत्ते पर भी दया करो, कुत्ते को भी टुकड़ा दो। अब लोगों ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया, कुत्ते को देना भी बंद कर दिया, उससे हानि होती है। कुत्ते को भी दो। हम कुत्ते का हमारे यहाँ एक प्रेमी हैं विजय कंजानी जी, राकेश जी जानते हैं उनको बढ़िया से, कई लोग यहाँ जानते होंगे। हमारे एक कथा में उन्होंने सुना, बोले महाराज जी कुत्ता को रोटी तो लोग बिल्कुल नहीं देते हैं, हम कि तुम देना शुरू करो। तो उन्होंने योजना शुरू किया, अब वो चल भी रही होगी, भगवान जाने कितनी चल रही है, कुत्ते को रोटी देने की योजना, और तमाम लोग कुत्ते को रोटी भी। तो गाय को ग्रास तो मिल ही रहा है, आखिरी बचा हुआ गाय को, सब गायों को रोटी मिलती है। हमारे अनंत दास बाबा 125 किलो आटे की रोटी रोज गायों को खिलाते हैं, उनमें 40 किलो आटे की रोटी तो मलुक पीठ गौशाला में और 40 किलो आटे की रोटी जड़खोर गोदाम में और गोरे दाऊ जी में भी, लगभग 125 क्विंटल आटे की रोटी रोज खिलाते हैं, नियम है उनका। कोरोना के समय तो अपने हाथ से बना के खिलाते थे, तो लगातार उनका नियम चल रहा है। इसी तरह से कुत्तों को भी टुकड़ा दिया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुने, कुत्ता उच्छिष्ट का भी अधिकारी है किंतु गाय उच्छिष्ट की अधिकारिणी नहीं है। गाय को जूठा खिलाना बहुत पाप है, गाय को जूठा नहीं खिलाना चाहिए, गाय को धोवन नहीं खिलाना चाहिए। गाय क्यों? गाय पूज्या है, हमारी आराध्या है, उपास्या है, तो हम गाय को जूठा खिलावें ये अच्छी बात नहीं है। गाय को जूठा खिलाना नहीं चाहिए और गाय का जूठा खाना भी नहीं चाहिए, गाय का जूठा नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में निषेध है गाय का जूठा खाना। गाय को खिलाओ पर उसका खाया हुआ बचा हुआ मत खाओ, पर अपना खाया हुआ बचा हुआ गाय को मत दो, गोग्रास अर्पित करो।